हाय गुड मॉर्निंग। सो आज 10 अक्टूबर और आप मेरा बैकग्राउंड चेंज देख रहे हैं क्योंकि मैं आज अपने पानीपत ऑफिस बैठा हुआ हूँ और BDS के लिए स्पेशल स्टे स्टार्ट हो चुका है और दो स्टेट जो यू नो कॉन्फिडेंटली अपना स्पेशल स्टे करवा पा रहे हैं वही राजस्थान और हरियाणा। और शायद पिछले 2-3 वीडियोज़ में आपने सुन लिया समझ लिया पूरे हिंदुस्तान में राउंड 4 ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। बिहार में अभी राउंड 4 की कल नोटिफिकेशन आई है तो फिर लोगों के ना 2-3 फ़ोन आया कि सर बिहार में स्टार्ट हो गया तो क्या DMD में भी होगा बंगाल। देखिए एक लॉजिक है और एक जो होना ही था। तो पौंडेचेरी बहुत लेट चल रहा है उसका तो अभी राउंड 2 चल रहा है। बिहार का राउंड 4 अब स्टार्ट होगा जिसका आज डिटेल्स सीट मैट्रिक्स आएगा और फैसिलिटेशन भी अलाउड है बिहार में 2। ठीक, तीसरा एंगल अब कि हरियाणा राजस्थान जिसने 4th नहीं 5th राउंड भी कर दिया है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा राजस्थान और हिमाचल हैं जिन्होंने MBBS में 5वां राउंड भी कर दिया है। बहुत जल्दी कर दिया, एक दिन में कर दिया, शायद आप लोग रियलाइज़ नहीं कर पाए, जिसका नाम उन्होंने स्पेशल स्टे रखा था। राजस्थान ने भी 30 तारीख को किया था, हरियाणा ने भी 30 तारीख को किया था, हिमाचल का भी शायद 30 तारीख को या 29 तारीख को ही हो गया था 5वां राउंड। बिहार में भी 4th राउंड है, पौंडेचेरी में 2रा है, बाकी इंडिया में हर जगह मोस्टली अब 4th राउंड हो चुका है या हो रहा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह भी बहुत स्लो बहुत पीछे चल रहे थे लेकिन अब हरियाणा और राजस्थान ने स्पेशली BDS के लिए मुझे एक्चुअली कहना चाहिए 5वां नहीं 6ठा राउंड भी कर दिया है क्योंकि 30 तारीख को हरियाणा ने BDS में तो 5वां राउंड किया था ना और फिर भी BDS की सीटें खाली रह गई। और हम जानते हैं, आप लोग जानते हो कि BDS के बारे में हमेशा समझाता हूँ कि डेफिनेटली कोशिश कीजिए MBBS करने की, नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप BDS करना ही है तो 3 कैटेगरी में आप हो तो आपका करियर अच्छा होगा कि आपके पेरेंट्स का या फैमिली में किसी का चलता हुआ BDS क्लिनिक हो, आप गवर्नमेंट जॉब ले सके या आपको कमाना आता हो पैसे। याद है मैंने पहले कहा था, बट इसके बावजूद भी 4th कैटेगरी होती है कि सर ग्रेजुएशन तो करनी है, पार्डन मी सेइंग, लड़कियाँ अक्सर ये रहती हैं कि सर BA पास करें तो उससे अच्छा चलो BDS ही कर लेते हैं। और जी हाँ, आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, वो शायद आप उसी से कंपेयर कर सकते हो। क्या BDS करके आपका ग्रेट कैरियर होगा, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे, आप उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान नहीं जाना चाहते और 30-35 लाख का भी बजट नहीं था, अब बात ये हो रही है कि हम ये मेडिकल लाइन छोड़कर ही सिंपल एक BSc BA करने वाले हैं और उसके बदले अगर आप BDS कर लो और आपका बहुत खर्चा ना हो, जी हाँ, हॉस्टल मिला के अगर आपका काम 10 लाख रुपए में हो जाए, सोचिए पूरा कोर्स विद कंप्लीट हॉस्टल, अगर आपको 10 लाख एक नेट जिसे बोलते हैं ना CTC में चाहिए तो आप कॉल कीजिए 9643362320 पे। अच्छा कॉलेज है, अच्छी लोकेशन में है, अच्छी एसेसिबिलिटी है, सब कुछ अच्छा है। ऑफिशियल फ़ीस तो देखिए ज़्यादा है, आपको पता ही है हिंदुस्तान में हर जगह ही 2.5-3 लाख रुपए साल की फ़ीस होती है तो हॉस्टल मिला के तो 15 पड़ता है, पर वो 15 काम आपका 10 लाख रुपीज़ में हो जाएगा हॉस्टल मिला के। और अगर आपको वो चाहिए कॉल कीजिए, आप जानते ही हैं 9643362320 और कॉल करके तुरंत बोल दीजिए कि आपको BDS चाहिए। जो आपसे बात करेगा वो भी आपको बता देगा ऑप्शन और वो आपको अकाउंट डिटेल भेजेंगे। ये काम आज और कल में होना है क्योंकि हमें उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो हरियाणा स्टेट में अवेलेबल है। हमारे थ्रू जाने का देखिए ये फ़ायदा होता है कि हम तो अपनी BDS के लिए भी नॉर्मल फ़ीस ले रहे हैं 40,000, बट आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट होना ना आप नॉर्मल फ़ीस से कम दोगे तो वो हमारी गारंटी रहेगी कि आपके साथ बाद में धोखा नहीं होगा। आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। ये भी बहुत होता है कि अभी आपको कुछ प्रॉमिस कर दिया जाता है एजेंटों के द्वारा या कभी कभार कॉलेजों में भी, और आप साइन कर देते हो, चाहे वो नेगोशिएशन जो हम बोलते हैं, और सेकेंड ईयर पता चलता है कि आपसे पूरी फ़ीस मांगी जाती है। तो जब हम नेगोशिएशन कराते हैं तो वो एक उस लिखित पेपर में होती है विच इज़ सैक्रोसेंट, जो चेंज नहीं हो सकता, और उसमें एक तरह से GK वर्ष की हमारी गारंटी है कि यही फ़ीस आप पूरे 5 साल पूरे कोर्स के लिए देंगे। वरना अक्सर ये होता है कि आपने कहने को आपने नेगोशिएशन किया था फ़ोन पे और जब बच्चे बेचारे तमिलनाडु पौंडेचेरी सीट लेने गए तो पता चला कि उनसे तकरीबन पूरी फ़ीस ली जा रही थी, ऐसा मुझे पर फ़ोन आए। तो BDS आपको चाहिए कंप्लीट पैकेज विद हॉस्टल 10 लाख रुपीज़
और अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ के आसपास के रहने वाले, मैं फिर भी कहूँगा देखिए ठीक है, यमुनानगर एक कॉलेज है तो आप आने जाने करेंगे आपके 2 लाख और बच जाएंगे, पर उससे बेटर जितना आप खर्चा आने जाने में करेंगे, 50,000 रुपये साल का हॉस्टल विद खाना, राइट, इससे भी सस्ता क्या मिलेगा आपको। तो घर में बंदा राशन खा लेता है, एक साल महीने के 4,000 रुपये तो हुए, अब रोज़ की 50 रुपये की टिकट भी खरीदोगे तो उतना खर्चा हो जाएगा आने जाने में। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप हॉस्टल में रहें और 10 लाख रुपये में BDS की डिग्री आपके हाथ में, अच्छे कॉलेज से आपको एक्सपोजर मिलेगा, पेशेंट फ्लो वहाँ पर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। दिक्कत यही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, BDS हिंदुस्तान में ओवर सप्लाई हो चुका है, इसलिए कॉलेजेस की सीटें खाली जा रही हैं और इसीलिए वो आपको 30-40% डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि आप कर लो, उनकी सीटें भर जाएं, क्योंकि उनको तो अपना कॉलेज चलाना ही है। और आप ये सोच के करिए, अगर पहले 3 ब्रैकेट में आते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन वही अगर आपको ये लगता है कि भाई कुछ तो ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद शादी कर देंगे तो ठीक है, BCom पास करोगे, कुछ और करोगे, उससे अच्छा एक डॉक्टर की डिग्री तो ज़िंदगी भर के लिए नाम के आगे लगी जाती है और उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं और करियर भी बन जाता है। आप छोटी छोटी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिसे बोलते हैं नेबरहुड प्रैक्टिस, लाखों नहीं कमाओगे, महीनों महीने के 30-40 हज़ार रुपये 5-7 साल की प्रैक्टिस के बाद आप कमा सकते हो अगर आप पहले 3 ब्रैकेट में नहीं आते, जो मैं बार बार कहता हूँ BDS के लिए। ओके, सो यू नो 9643-62320, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। जैसा मैंने कहा 10 लाख रुपीज़ वुड बी द फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग एवरी कॉस्ट, एग्जामिनेशन फीस, ये फीस, वो फीस, सब मिला के भी आपका एक CTC 10 लाख रुपये होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। हमारी फ़ीस आपको पता ही है 40,000 रुपीज़ है, सिर्फ आपको BDS करना है तो उसमें भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, सिर्फ आपसे 20,000 रुपये ले रहे हैं। आप हमें 20,000 रुपये भेजेंगे, नीट स्कोर कार्ड भेजेंगे, आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कॉलेज से आपको डायरेक्टली बात कराई जाएगी और कॉलेज में भी आप कुछ पैसे भेज देंगे आज और कल परसों तक में, ज़्यादा नहीं 50,000 रुपये, और आपका डन हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।